और ये हम सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं आपको कोपेनहेगन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान जर्मनी से चलकर कोपेनहेगन यानी डेनमार्क पहुंच चुका है और प्रधानमंत्री इस वक्त अपने विशेष विमान से बाहर आते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए निश्चित तौर से प्रधानमंत्री का तीन यूरोपीय देशों का महत्वपूर्ण दौरा। पहले चरण में प्रधानमंत्री जर्मनी में थे और कल हमने जर्मनी में उनके विशेष महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का देखा है और उसके बाद प्रधानमंत्री जर्मनी से अब डेनमार्क पहुंचे हैं और अपने विशेष विमान के माध्यम से और प्रधानमंत्री वहां की राजधानी कोपेनहेगन में अपने विशेष विमान से इस वक्त उतरते हुए। निश्चित तौर से बेहद महत्वपूर्ण दौरा और ये दौरा अपने आप में इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई प्रकार की चुनौतियों से इस वक्त यूरोप गुजर रहा है और ऐसे समय में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नज़रें लगी हुई हैं और खुद तमाम वरिष्ठ लोग इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री का इस्तकबाल करने के लिए। और ये अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जो डेनमार्क की हैं वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंची हैं और ये अपने आप में दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति डेनमार्क और वहाँ की प्रधानमंत्री कितनी उत्सुक है उनके इस दौरे को लेकर और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं और प्रधानमंत्री के इस्तकबाल के लिए खुद डेनमार्क की प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद है। ये अपने आप में दिखाता है कि डेनमार्क किस तरीके से भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। रेड कारपेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, ये अपने आप में 130 करोड़ भारतीयों के स्वागत के लिए एक तस्वीरों को बयां करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे एरिक्सन भी वहाँ पर इस वक्त फेडरिक्सन भी मौजूद हैं और तमाम महत्वपूर्ण लोग खुद प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आए हैं। ये अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से डेनमार्क कितना ज़्यादा उत्साहित है और प्रधानमंत्री के लिए तमाम औपचारिकताओं से अलग हट के खुद वहाँ के प्रधानमंत्री का आना ये अपने आप में भारत और भारतीयों के प्रति डेनमार्क के लोगों का उत्साह उनका सम्मान को प्रदर्शित करता साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और ये सहजतापूर्ण तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की और डेनमार्क की प्रधानमंत्री के साथ और ये तस्वीरें एक और कहानी बयां करती हैं क्योंकि अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण भारत और भारतीयता की जो सांस्कृतिक झलक है वो इस कोपेनहेगन के यहाँ के एयरपोर्ट पर भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। परंपरागत तरीके से मराठी परिधान में भारतीय समुदाय से जुड़े हुए लोग ढोल ताशे के साथ पहुँचे हुए हैं और ये मराठी परिधान में साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण और भारत माता की जय का जयकारा और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का उत्साह। डेनमार्क के एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का भारतीय सांस्कृतिक ढोल नगाड़ों के साथ में स्वागत और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का खुद प्रधानमंत्री को रिसीव करने आना ये दिखाता है बताता है किस प्रकार से डेनमार्क उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर और ये सांस्कृतिक झलक भारत भारतीयता की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है इसकी झलक कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीन देशों के इस दौरे के दूसरे पड़ाव में इस वक्त डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंच गए हैं और खुद डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और भारतीय समुदाय से जुड़े हुए सांस्कृतिक मंडल ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। परंपरागत वेशभूषा में मौजूद मराठी एक सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिली। ढोल नगाड़ों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और खुद
डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, उनको एक तरीके से रिसीव किया है। ये रेड कार्पेट दिखाता है, ये उत्साह दिखाता है। डेनमार्क किस प्रकार से उत्साहित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर। निश्चित तौर से आज और कल दो दिन बेहद महत्वपूर्ण तरीके से रहेंगे, तब जबकि भारत और डेनमार्क के आपसी सहयोग के लिहाज से और भारत और डेनमार्क के साथ साथ जो नॉर्डिक शिखर सम्मेलन है, यानी पांच देशों के, पांच इन यूरोपीय देशों के साथ में भारत के जो सहयोग की इबारत लिखी गई है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस कार के माध्यम से आगे रवाना होंगे, उनका ये काफिला आगे बढ़ेगा और इसके बाद में ऑफिशियल्स मीटिंग का दौर शुरू होगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत तौर पर 1-to-1 मुलाकात भी होगी डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ, शिष्टमंडल स्तर की बातचीत भी होगी। प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रमों के लिहाज से बात की जाए तो प्रधानमंत्री को एक बिजनेस डेलीगेशन के साथ में भी उनका संवाद का कार्यक्रम है। साथ ही साथ वहां की महारानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात में डिनर भी दिया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनसे भी मुखातिब होंगे और कल भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की प्रधानमंत्री वहां पर शिरकत करते नजर आएंगे। बेहद व्यस्त लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कार्यक्रम। कोपेनहेगन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने खुद एयरपोर्ट आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव किया है, स्वागत किया है। यह दर्शाता है कि किस प्रकार से तमाम औपचारिकताओं से परे हटते हुए आगे बढ़ते हुए खुद प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण और कितना उत्साह साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है इस पूरे दौरे के दरमियान। तो प्रधानमंत्री का काफिला अब यहाँ से आगे बढ़ेगा और यहाँ के बाद में महत्वपूर्ण बैठकों के सिलसिले की शुरुआत होगी। लेकिन भारतीय छटा, भारतीय सांस्कृतिक छटा यहाँ पर भी देखने को मिली है। ये अपने आप में बताता है किस प्रकार से भारतीयता या कहा जाए समृद्ध सांस्कृतिक भारतीय विरासत की जो झलक यहाँ पर भी प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए देखने को मिली। और परंपरागत तरीके से भारतीय वेशभूषा में महाराष्ट्रियन ये सांस्कृतिक ग्रुप वहां पे मौजूद था ढोल नगाड़ों के साथ में, और अब यहां से प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ता नजर आएगा। निश्चित तौर से तीन यूरोपीय देशों का दौरा, लेकिन इन तीन दिन तीन देश और 8 वैश्विक नेताओं से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। कुल 65 घंटे की अगर बात की जाए तो 50 बिजनेस लीडर्स से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। तो अपने आप में तीन दिन, तीन देश, 8 वैश्विक नेता और कुल मिला के 50 बिजनेस लीडर्स के साथ में और 25 बैठकें बेहद कम समय में बेहद